चलिए आज हम लोग 91 का टी की चैलेंज सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, प्रोसीड करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंसर्ट वर्ड आर टेक्स्ट इन योर यूजर मैनुअल। सबसे पहले इंसर्ट में आएंगे और यहाँ पे आएंगे कहाँ, आर्ट पे आएंगे, वर्ड आर्ट पे, और यहाँ से कोई भी एक वर्ड आर्ट सेलेक्ट करेंगे। इस प्रकार से देखिए मेरा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ। सेकेंड क्वेश्चन है, प्रोसीड करेंगे। ईच अप्रोप्रिएट स्टेप टू इंसर्ट एक्सेल फाइल इनटू योर वर्ड डॉक्यूमेंट्स। इसमें क्या करना है, आपके वर्ड डॉक्यूमेंट्स में एक्सेल फाइल कौन करना है, तो इंसर्ट में आएंगे, ऑब्जेक्ट में आएंगे और क्रिएट फ्रॉम फाइल पे क्लिक करेंगे, ब्राउज करेंगे, इन्फो पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट करेंगे, ओके करेंगे। देखिए सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व हुआ। थर्ड क्वेश्चन है, प्रोसीड करेंगे। इंसर्ट ऑनलाइन पिक्चर इन द डॉक्यूमेंट्स। इंसर्ट ऐप आएंगे, ऑनलाइन पिक्चर, सर्च बॉक्स में क्लिक करेंगे, सर्च आइकॉन पे क्लिक करेंगे और इमेज को सेव करेंगे, इंसर्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिएट टेबल ऑफ कंटेंट्स ऑफ द बिलो डॉक्यूमेंट्स। रेफरेंस पे आएंगे, टेबल फ्रॉम कंटेंट्स पे क्लिक करेंगे और कोई भी कंटेंट से सेलेक्ट करेंगे। इस प्रकार से फोर्थ क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। फिफ्थ क्वेश्चन है, प्रोसीड करेंगे। व्यू टैब में आएंगे, रीड मोर पे आएंगे। चलिए क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अगला क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। प्रोसीड, अप्लाई A4 पेपर साइज टू द गिवन वर्कशीट। जो ये वर्कशीट दिया हुआ है इसका साइज क्या करना है, A4 करना है। साइज में आएंगे और A4 सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैप द सिलेक्टेड टेक्स्ट। ये जो टेक्स्ट सेलेक्ट है इसे रैप करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसर्ट वर्ड आर टेक्स्ट। इंसर्ट टाइप में आएंगे, टेक्स्ट ग्रुप में आएंगे और वर्ड आर्ट पे क्लिक करके कोई भी एक वर्ड आर्ट को सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसीड करेंगे। अप्लाई पिक्चर स्टाइल फ्रॉम द सिलेक्टेड पिक्चर। ये जो पिक्चर सेलेक्ट किया गया है इसमें पिक्चर स्टाइल लगाना है, तो पिक्चर स्टाइल ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करेंगे और कोई भी एक पिक्चर स्टाइल को सेलेक्ट करेंगे। इस प्रकार से फोर्थ नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिमूव ग्रिड लाइन्स फ्रॉम द बिलो वर्कशीट। इस वर्कशीट में जो आपका ग्रिड लाइन्स है इसे रिमूव करना है, तो व्यू टैब का प्रयोग करेंगे और ग्रिड लाइन्स का ये जो बॉक्स है इसे अनचेक करेंगे। ये भी क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्ट करेंगे, प्रोसीड करेंगे। इंसर्ट अ एडिशनल कॉलम इन द वर्कशीट। एक अतिरिक्त कॉलम को इंसर्ट करना है। होम टैब के इंसर्ट सेल्स ग्रुप में इंसर्ट टूल्स पे क्लिक करेंगे और इंसर्ट कॉलम पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्लाई बोल्ड इफेक्ट टू द सिलेक्टेड टेक्स्ट। ये जो टेक्स्ट सिलेक्ट है इसमें बोल्ड इफेक्ट लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसीड करेंगे। इंसर्ट और टेक्स्ट बॉक्स। इंसर्ट में आएंगे, टेक्स्ट ग्रुप में आएंगे और टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करके अपने वर्कशीट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसीड करेंगे। एडजस्ट कलर ऑफ द सिलेक्टेड पिक्चर। कलर पे आएंगे और कोई भी एक कलर सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसीड करेंगे। चेंज वर्कशीट टैब कलर यूजिंग टैब कलर ऑप्शन। सबसे पहले आएंगे सेल्स ग्रुप के फॉर्मेट में और यहाँ पे टैब कलर पे क्लिक करेंगे, उसका कलर सेलेक्ट करेंगे। इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं, प्रोसीड। इंसर्ट अ ब्लैंक रो इन योर एक्सेल वर्कबुक। इसमें क्या करना है, एक रो को इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट पे आएंगे और इंसर्ट रो पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रोसीड कर रहे हैं। इंसर्ट अ पिक्चर, एक पिक्चर पिक्चर को इंसर्ट करना है। रजिस्ट्रेशन ग्रुप में आएंगे और एक पिक्चर पे क्लिक करेंगे, कार पिक्चर को सिलेक्ट करके और इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसीड करेंगे इंसर्ट अ पाई चार्ट फॉर योर टेबल डाटा। अपने इस टेबल डाटा में एक क्या करना है, पाई चार्ट को इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट पे आएंगे और पाई चार्ट पे क्लिक करेंगे, कोई भी एक पाई चार्ट को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसीड करेंगे क्रिएट अ कॉपी ऑफ सिलेक्टेड वर्कशीट। ये जो आपका शीट सिलेक्ट है इसमें क्या करना है, एक इस शीट को कॉपी करना है। तो फॉर्मेट में आएंगे और मूव और कॉपी शीट पे क्लिक करेंगे, क्रिएट अ कॉपी पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। अगला क्वेश्चन है, अप्लाई करेंसी कैटेगरी टू द सिलेक्टेड सेल। इसमें क्या करना है, कैटेगरी अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आएंगे, इसके छोटे से जो आइकन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करेंगे और करेंसी पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। इस प्रकार से भी क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। प्रोसीड करेंगे चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ द सिलेक्टेड सेल्स। ये जो सेल्स सेलेक्ट किया गया है इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। तो सेल शेडिंग पे क्लिक करेंगे और जो भी कलर अप्लाई करना है आप अपने आवश्यकता के अनुसार इसमें चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसर्ट अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट इन द सिलेक्टेड सेल। क्या करेंगे, इसमें अकाउंटिंग नंबर आएंगे यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू पे, इस पर तो नहीं हो रहा, आप कहाँ आएंगे, यहाँ आकर के, और यहाँ क्या बोल रहा है, अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट आ जाइएगा यहाँ पे मोर ऑप्शन पे, सॉरी आप यहाँ पे इंग्लिश इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम पे क्लिक करेंगे, सॉल्व हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसीड करेंगे इंक्रीज डेसिमल पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपका कहाँ है, इंक्रीज डेसिमल आपका है, ये है इंक्रीज, सॉरी यहाँ पे है इंक्रीज डेसिमल। थोड़ी सी छोटी छोटी फंक्शन है तो देखने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, प्रोसीड करेंगे अप्लाई शैडो इफेक्ट टू द सिलेक्टेड पिक्चर। क्या करेंगे, इसमें शैडो इफेक्ट अप्लाई करना है। तो पिक्चर इफेक्ट पे आएंगे और शैडो पे क्लिक करेंगे, कोई भी अपने आवश्यकता के अनुसार इसमें चूज करेंगे। इस प्रकार से फोर्थ नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। अगला क्वेश्चन है, प्रोसीड करेंगे इंसर्ट हाइपरलिंक्स टू द सिलेक्टेड सेल विद प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट्स ऑप्शन। सबसे पहले आएंगे इंसर्ट पे, हाइपरलिंक्स पे क्लिक करेंगे और प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे डे वन को और ओके करेंगे। देखिए इस प्रकार से 91 का भी टेक चैलेंज सॉल्व हुआ आसानी से। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।